स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ चुके हैं एक नई वीडियो को साझा करने के लिए। आज का जो हमारा वीडियो है वह क्लास 10th यूपी बोर्ड के छात्रों का विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आधुनिक विश्व में वैचारिक क्रांति के अंतर्गत पुनर्जागरण शीर्षक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तरों को हम इस वीडियो में साझा करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को देखने पर लाइक करें एवं अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ साझा करें, जिससे कि आपके द्वारा हमें सपोर्ट मिलता रहे। आइए इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को साझा करने से पहले हम आपको पुनर्जागरण के बारे में बता दें और साथ ही पुनर्जागरण के क्या कारण थे इसके बारे में जान लेते हैं एवं पुनर्जागरण का क्या अभिप्राय है और यह क्यों इटली से ही प्रारंभ हुआ इसके बारे में जान लेते हैं। तो पुनर्जागरण का क्या अभिप्राय है तथा यह इटली से ही क्यों प्रारंभ हुआ एवं पुनर्जागरण किसे कहते हैं, इसका क्या तात्पर्य है, पुनर्जागरण काल के कारण क्या है। तो पुनर्जागरण से तात्पर्य क्या है, तो पुनर्जागरण फ्रांसीसी शब्द रेनेसांस का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है फिर से जीवित हो जाना। एडगर स्वेन के अनुसार पुनर्जागरण एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग उन सभी बौद्धिक परिवर्तनों के लिए किया जाता है जो मध्य युग के अंत में तथा आधुनिक युग के प्रारंभ में दृष्टिगोचर हो रहे थे। दूसरे शब्दों में पुनर्जागरण से आशय उस अवस्था से है जब मानव समाज अपनी पुरानी परंपराओं को त्याग कर नवीन उपयोगी परिवर्तनों को अपनाने के लिए उत्सुक हो जाता है। इस प्रकार जब प्राचीन परंपराओं में क्रांतिकारी परिवर्तन होने के फलस्वरूप समाज में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है तो यह स्थिति पुनर्जागरण कहलाती है। पुनर्जागरण के कारण क्या थे, छापेखाने का आविष्कार। छापेखाने के आविष्कार के फलस्वरूप प्राचीन ज्ञान को सुरक्षित रखना सरल हो गया, साथ ही नवीन ज्ञान विज्ञान का प्रचार करने में सुविधा हो गई। लोग सुदूर तक विज्ञान से परिचित हुए जिससे लोगों में जागृति आई और पुनर्जागरण को बल मिला। इसका दूसरा कारण नए व्यापारिक मार्गों की खोज। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण यूरोप का रास्ता पूर्वी देशों के लिए बंद हो गया। इन समस्या को सुलझाने के लिए यूरोपवासी समुद्री मार्गों की खोज के लिए निकल पड़े। पुर्तगाल, फ्रांस, इटली, हॉलैंड आदि देशों के नाविक सामुद्रिक मार्गों की खोज में चल पड़े। इससे समस्त यूरोप में नए युग का सूत्रपात हुआ। आइए अब हम अगली कड़ी में इस वीडियो को बढ़ाते हुए इस शीर्षक पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर को देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए कृपया आप इसका अध्ययन गहनता से करें। एक दृष्टि में पुनर्जागरण को समझते हुए अब हम आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आधुनिक विश्व में वैचारिक क्रांति के अंतर्गत पुनर्जागरण, बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि एक अंक के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। डिवाइन कॉमेडी नामक ग्रंथ का लेखक कौन था, तो डिवाइन कॉमेडी नामक ग्रंथ का लेखक दांते था। किस देश में पुनर्जागरण सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ अथवा यूरोप में पुनर्जागरण का आरंभ किस देश से हुआ, तो हमारा सही उत्तर है इटली से। इटली से ही पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था,
यह आप सभी जानते होंगे कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादक न्यूटन था। छापी कानी का आविष्कारक कौन था? तो गुटेनबर्ग छापे कानी का आविष्कारक था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया अथवा दूरदर्शी का आविष्कारक कौन था अथवा टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर है गैलीलियो। गैलीलियो जो कि दूरबीन अथवा दूरदर्शी अथवा टेलीस्कोप का आविष्कारक था। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न, द प्रिंस ग्रंथ का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर है मैकियावेली। मैकियावेली द प्रिंस ग्रंथ का लेखक था। साथ ही हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राफेल कौन था? तो राफेल एक चित्रकार था। पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं? पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में दांते को जाना जाता है। शेक्सपियर किस देश का नागरिक था? इसका सही उत्तर इंग्लैंड। मैकियावेली द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? दी प्रिंस। जूलियस सीजर के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर है शेक्सपियर। सेंट पॉल गिरजाघर स्थित है। सेंट पॉल गिरजाघर लंदन में स्थित है। माइकल एंजिलो था एक चित्रकार। यूटोपिया के रचनाकार थे? इसका सही उत्तर है थॉमस मोर। लियोनार्डो द विंची था एक चित्रकार। अगला प्रश्न, थॉमस मूर की पुस्तक का नाम है। थॉमस मूर की पुस्तक का नाम यूटोपिया है। थॉमस मूर था एक महान लेखक। मोनालिसा का चित्रकार था? इसका सही उत्तर है लियोनार्डो द विंची। इसी के साथ अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि परीक्षाओं में 2 अंक के पूछे जाते हैं। पुनर्जागरण के 2 कारण लिखिए। तो पुनर्जागरण के 2 कारण, धर्मयुद्धों का प्रभाव, छापे कहानी का आविष्कार। द आर्ट ऑफ वार किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा मैकियावेली की रचना द आर्ट ऑफ वॉर है। कुतुब नुमा का आविष्कार कौन था? कुतुब नुमा का आविष्कारक इटली का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो था। इसी के साथ आज का हमारा अगला अति लघु उत्तरीय प्रश्न, डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक का लेखक महान दार्शनिक दांते था। पुनर्जागरण काल के किन्हीं 2 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। न्यूटन और गैलीलियो पुनर्जागरण काल के 2 वैज्ञानिक हैं। पुनर्जागरण काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। पुनर्जागरण काल की 2 विशेषताएं, पहला, पुनर्जागरण के कारण कला को प्रोत्साहन दिया गया। दूसरा, पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप धार्मिक विषयों के स्थान पर विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, इतिहास, भूगोल जैसे विषयों का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न, माइकल एंजिलो कौन था? उसकी किसी एक कृति का उल्लेख कीजिए। का उत्तर है माइकल एंजिलो इटली का प्रसिद्ध कलाकार था। द फॉल ऑफ मैन उसकी प्रसिद्ध कृति है। दांते कौन था? दांते इटली का एक महान दार्शनिक एवं कवि था। इसी के साथ हमारा अगला अति लघु उत्तरीय प्रश्न, गैलीलियो और न्यूटन किस देश के निवासी थे? विज्ञान के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है? तो गैलीलियो इटली एवं न्यूटन जर्मनी का निवासी था। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया तथा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसी के साथ अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राफेल कौन था? वह क्यों प्रसिद्ध है? राफेल इटली के विश्व प्रसिद्ध कलाकार थे।
राफेल द्वारा चित्रित मैडोना का चित्र उनकी महान कृति है। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से यूरोपीय देशों को किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, भारत में यूरोपीय राष्ट्रों ने किस मार्ग से प्रवेश किया, तो इसका उत्तर है तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिए जाने के फलस्वरूप पश्चिम और पूर्व के बीच व्यापारिक मार्ग यूरोपियनों के लिए बंद हो गए। भारत में यूरोपीय राष्ट्रों ने समुद्री मार्ग से प्रवेश किया। इसी के साथ हमारा आज का अगला प्रश्न, यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इसकी प्रगति के लिए उत्तरदायी कारणों में से किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है यूरोप में पुनर्जागरण इटली देश से प्रारंभ हुआ। इसकी प्रगति के लिए उत्तरदायी दो कारण निम्नलिखित हैं, पहला धर्म युद्धों का प्रभाव, दूसरा छापे काने का आविष्कार। इस वीडियो की अगली कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों से रूबरू कराना चाहेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि परीक्षाओं में 3 अंक के पूछे जाते हैं। आइए लघु उत्तरीय प्रश्न पुनर्जागरण शीर्षक के देखते हैं। पुनर्जागरण से क्या तात्पर्य है, इसकी उत्पत्ति के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, पुनर्जागरण फ्रांसीसी शब्द रिनेसांस का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है फिर से जीवित हो जाना। एडगर स्वेन के अनुसार पुनर्जागरण एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग उन सभी बौद्धिक परिवर्तनों के लिए किया जाता है जो मध्य युग के अंत में तथा आधुनिक युग के प्रारंभ में दृष्टिगोचर हो रहे थे। दूसरे शब्दों में पुनर्जागरण से आशय उस अवस्था से है जब मानव समाज अपनी पुरानी परंपराओं को त्याग कर नवीन उपयोगी परिवर्तनों को अपनाने के लिए उत्सुक हो जाता है। इस प्रकार जब प्राचीन परंपराओं में क्रांतिकारी परिवर्तन होने के फलस्वरूप समाज में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है तो वह स्थिति पुनर्जागरण कहलाती है। पुनर्जागरण के कारण, पहला छापे खाने का आविष्कार। छापे खाने के आविष्कार के फलस्वरूप प्राचीन ज्ञान को सुरक्षित रखना सरल हो गया, साथ ही नवीन ज्ञान विज्ञान का प्रचार करने में सुविधा हो गई। लोग सुदूर तक विज्ञान से परिचित हुए जिससे लोगों में जागृति आई और पुनर्जागरण को बल मिला। दूसरा, नए व्यापारिक मार्गों की खोज। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण यूरोप का रास्ता पूर्वी देशों के लिए बंद हो गया। इस समस्या को सुलझाने के लिए यूरोपवासी समुद्री मार्गों की खोज के लिए निकल पड़े। पुर्तगाल, फ्रांस, इटली, हॉलैंड आदि देशों के नाविक सामुद्रिक मार्गों की खोज में चल पड़े। इससे समस्त यूरोप में नए युग का सूत्रपात हुआ। इसी की अगली कड़ी में लघु उत्तरीय का दूसरा प्रश्न, पुनर्जागरण का क्या अभिप्राय है या इटली से क्यों प्रारंभ हुआ? एडगर स्वेन के अनुसार पुनर्जागरण फ्रांसीसी शब्द रिनेसांस का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है फिर से जीवित हो जाना। पुनर्जागरण एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग उन सभी बौद्धिक परिवर्तनों के लिए किया जाता है जो मध्य युग के अंत में तथा आधुनिक युग के प्रारंभ में दृष्टिगोचर हो रहे थे। पुनर्जागरण के अभ्युदय का गौरव इटली को प्राप्त होने का एक प्रमुख कारण है कि यूरोप और पूर्व के देशों के मध्य हुए व्यापार के पुनरुत्थान के कारण इटली सर्वाधिक संपन्न बन गया था। तत्कालीन लगभग सारा व्यापार इटली के नियंत्रण में था। इटली के शासक ज्ञान विज्ञान और कला के संरक्षक बन गए थे।
इन कारणों ने इटली में पुनर्जागरण के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार कर दिया था। इसी के साथ वीडियो की अगली कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर चलते हैं, जिनके लिए परीक्षाओं में 6 अंक निर्धारित होते हैं। पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए पुनर्जागरण के कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है पुनर्जागरण से तात्पर्य नवयुग के अवतरण की सूचना देने वाला तथ्य पुनर्जागरण था। पुनर्जागरण को प्रायः पांडित्य के पुनः उदय का नाम भी दिया जाता है। पुनर्जागरण ने मध्ययुगीन आडंबरों, अंधविश्वासों एवं प्रथाओं को समाप्त किया तथा उसके स्थान पर व्यक्तिवाद, भौतिकवाद, स्वतंत्रता की भावना, उन्नत आर्थिक व्यवस्था एवं राष्ट्रवाद को प्रतिस्थापित किया। पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं। पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, मानववाद। इतिहासकार हेस के अनुसार नवजागरण की प्रस्तुति मानववाद द्वारा हुई। मानववाद का तात्पर्य उन्नत है। प्राचीन यूनानी सभ्यता एवं संस्कृति का पक्षपाती पेट्रॉक मानववाद का पिता कहा जाता है। माइकल एंजेलो, मैकियावेली, दांती एवं अल्बर्टी आदि पुनर्जागरण काल के अन्य प्रमुख मानववादी थे। पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत दूसरा, कला। धर्म के साथ जुड़ी होने के कारण मध्य युग में कला का अपना कोई स्वतंत्र एवं पृथक अस्तित्व नहीं था, किंतु पुनर्जागरण काल में कला के विषयों में परिवर्तन आया और कला को सर्वाधिक प्रोत्साहन प्रदान किया गया। तीसरा, साहित्य। लैटिन एवं यूनानी भाषाओं में लिखा गया यह साहित्य जनमानस की समझ के बाहर था, अतः राष्ट्रीय एवं लोक भाषाओं में लिखे गए साहित्य का सृजन सामने आया। इस प्रकार राष्ट्रवादी साहित्य ने मध्ययुगीन मान्यताओं को तर्क के आधार पर अस्पष्ट चुनौती दी एवं नई मान्यताओं को प्रतिष्ठित किया। महान खोजें एवं नाविक। यूरोप में सांस्कृतिक पुनर्जागरण एवं धार्मिक जागृति के परिणाम स्वरूप यूरोप के नाविकों द्वारा अनेक यात्राएं की गईं। इन यात्राओं के परिणाम स्वरूप अनेक नवीन मार्गों का पता चला तथा नए रास्तों की खोज हुई। एशिया महाद्वीप के लिए नवीन जलमार्गों का पता इसी काल में लगाया गया। पांचवा, विज्ञान एवं आविष्कार। पुनर्जागरण ने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति की। इस काल में एक के बाद एक इतने आविष्कार हुए कि इस युग को लोग वैज्ञानिक क्रांति का युग कहते हैं। आधुनिक युग के आगमन के साथ ही अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हुए। पहला व प्रमुख आविष्कार छापे खाने का था। छापा खाने का आविष्कार जर्मनी में गुटनबर्ग ने किया था। रोजर बेकर नामक वैज्ञानिक ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, जिसने विज्ञान के अन्य आविष्कारों में अत्यंत सहायता की। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने एक दूरबीन बनाई। इस यंत्र से खगोलशास्त्र में महत्वपूर्ण सहायता मिली। यूरोप में पुनर्जागरण के कारण। यूरोप में पुनर्जागरण के निम्नलिखित कारण थे। पहला, छापी कहानी का आविष्कार। 1465 ईस्वी में जर्मनी के गुटनबर्ग नामक व्यक्ति ने छापी कहानी का आविष्कार किया। 1476 ईस्वी में विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में अपना छापा खाना खोला। इसके पश्चात छापे खानों की संख्या में तेजी के साथ वृद्धि होने लगी। इसके फलस्वरूप पुस्तकों की छपाई सरल हो गई और ज्ञान की धारा द्रुत गति से प्रभावित
प्रवाहित होने लगी। दूसरा, आविष्कारों का प्रभाव। यूरोप में विभिन्न वैज्ञानिकों ने नए नए आविष्कार करने प्रारंभ कर दिए। न्यूटन, गैलीलियो, रोजर, बेकन तथा कॉपरनिकस जैसे वैज्ञानिकों के आविष्कारों से विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति आ गई। विज्ञान ने पुनर्जागरण के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामंतवाद का प्रभाव। तत्कालीन राज्य प्रबंध से जनता बहुत दुखी हो चुकी थी। इसके अंतर्गत चली आ रही सामंतवादी प्रथा से जनता को अपार कष्ट हुए। सामंतवाद के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए कृषकों और मजदूरों ने पुनर्जागरण के आंदोलन को तेज कर दिया। चौथा, नवीन क्षेत्रों की खोज। यूरोप के नाविकों ने नवीन क्षेत्रों की खोज प्रारंभ कर दी। इन नवीन क्षेत्रों की सभ्यताओं के आमेलन से ही भी पुनर्जागरण को स्वाभाविक रूप से बल मिला। आज के लिए बस इतना ही। हम पुनः आपसे जुड़ेंगे एक नए शीर्षक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।